हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारणों के बारे में। लेकिन उससे पहले जानने से पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था और इनमें कौन कौन से देश शामिल थे। बीए थर्ड ईयर प्रोग्राम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता है, 20 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। और ये SOL के जितने भी बच्चे हैं, DU से पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, या बाकियों के भी जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसमें हम जानते हैं, इंट्रोडक्शन के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण था जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरुआत की बात अगर हम करें तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चला, लगभग 4 वर्षों तक ये युद्ध चला है। 3 महाद्वीपों के देशों के बीच में ये युद्ध हुआ और इसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप शामिल थे। अगर हम प्रमुख गुटीय देश की बात करें तो प्रथम गुट में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और इटली शामिल थे, और द्वितीय गुट में ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और बल्गारिया शामिल थे। अगर इस युद्ध में जीत की बात करें तो जो प्रथम गुट है उसकी जीत हुई थी और अमेरिका एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा। 52 महीनों तक ये युद्ध चलता रहा और इसका नतीजा निकला कि दुनिया में जो है एक नई शक्ति के रूप में अमेरिका का उदय हुआ, और जर्मनी, इसके अलावा जो है बल्गारिया या ऑस्ट्रिया जो साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे उनकी हार हुई। जर्मनी को इस युद्ध का जिम्मेवार माना गया और वर्साई संधि के, पेरिस में एक समझौता हुआ, उसमें वर्साई संधि के द्वारा या संधि के तहत जर्मनी को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया। उनसे उनका जितने भी संसाधन वाले जो क्षेत्र थे उनसे छीन लिया गया, सैन्य संगठन पर रोक लगा दिया गया, और इस प्रकार से जर्मनी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। अमेरिका एक नई शक्ति के रूप में उभरा और जैसा कि हम जानते हैं कि 4 वर्षों तक ये युद्ध चला, 1914 से 1918 तक। अब हम जानेंगे इस युद्ध के होने के कारण, तो शुरू करते हैं, आगे चलते हैं इस वीडियो को लेकर और फर्स्ट टॉपिक जानते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में और समझेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध किस वजह से हुआ। और इन वजहों को जानने के बाद आप आंसर क्रिएट कर सकते हो, आंसर बना सकते हो आने वाले एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है आपको। तो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के होने के कारण। तो अगर हम कारणों की बात करें तो जो पहला कारण है वो है फ्रांस और जर्मनी का टकराव। इसमें हम जानेंगे कि किस वजह से फ्रांस और जर्मनी आमने सामने आई, या किस वजह से जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच टकराव हुआ। साम्राज्यवाद की भावना ने किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। इसके बाद हम जानेंगे यूरोप का दो गुटों में बट जाना, और इस टॉपिक में हम जानेंगे किस प्रकार से यूरोप महाद्वीप दो गुटों में बट गई और ये दोनों गुट आपस में प्रथम विश्व युद्ध में टकराए। इसके अलावा सैन्यवाद, इसमें हम जानेंगे कि अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए या फिर हथियारों की होड़ में किस प्रकार से ये दोनों गुट आपस में शामिल हुए और ये इन्होंने हथियारों की होड़ की, और जिसका कारण प्रथम विश्व युद्ध बना, जिसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध बना। इसके बाद हम जानेंगे तात्कालिक कारण। अगर हम तात्कालिक कारण की बात करें तो किसी भी युद्ध का जो तात्कालिक कारण होता है वो उसका चरम बिंदु होता है, अर्थात उसके बाद युद्ध तय होता है। तो हम तात्कालिक कारणों के बारे में भी जानेंगे और फिर जानेंगे जर्मनी द्वारा प्रथम शक्ति बनने की कोशिश करना, और किस प्रकार से साम्राज्यवाद की चाहत ने जर्मनी को विश्व युद्ध में धकेला, प्रथम विश्व युद्ध करने के लिए उकसाया। इसके अलावा किस प्रकार से उसने कोशिश की प्रथम बनने की, पूरे संपूर्ण विश्व में अपना साम्राज्य जो है स्थापित करने की कोशिश की उसने, और प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। इसके अलावा संकुचित राष्ट्र भावना के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो राष्ट्र की भावना है वो एक देश तक ही सीमित रह गई और जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। फिर हम जानेंगे इटली की नीति, जिसमें ट्रिस्ट के बंदरगाह के आसपास के इलाकों को अपने अधीन करने की कोशिश करने में जो है इटली प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इसके अलावा निकट पूर्वी समस्या के बारे में हम जानेंगे। फिर जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का ना होना, अर्थात
अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की या आज के विश्व की, तो यूएनओ और नाम जैसी संस्था है जो कहीं ना कहीं विश्व में होने वाले किसी भी प्रकार के युद्ध को रोकने का प्रयास करता है, किसी भी प्रकार के अमानवीय घटनाओं को होने से रोकता है। लेकिन वो एक समय था, प्रथम विश्व युद्ध का समय जो काल था, वो एक ऐसा समय था जिसमें कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो इस युद्ध को रोक सके। हालांकि कुछ समझौते किए गए थे इस युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके अलावा गुप्त रणनीति, कूटनीति के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार से अपनी नीतियों को छुपाती रही, जिसकी वजह से संदेह उत्पन्न हुआ और ये संदेह कहीं ना कहीं कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का। अंत में जानेंगे हम साम्राज्यवादी स्वार्थों की टक्कर, बाजार, विश्व में अपना बाजार स्थापित करने के लिए, अपना उपनिवेश स्थापित करने के लिए ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, इन सभी के द्वारा किस प्रकार से जो है कोशिश की गई, और ये कोशिश कहीं ना कहीं एक परिणाम बन के निकला प्रथम विश्व युद्ध का। तो इन 11 टॉपिक्स के माध्यम से हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के होने के कारणों की। तो शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, फ्रांस और जर्मनी की प्रतिद्वंद्विता। सबसे पहला पॉइंट है फ्रांस और जर्मनी की प्रतिद्वंद्विता, टकराव। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक कारण था फ्रांस और जर्मनी के बीच का टकराव, बीच का विवाद। अगर हम जानते हैं कि 1914 से 1918 यह प्रथम विश्व युद्ध रहा है और इसमें फ्रांस और जर्मनी आमने सामने थी, लेकिन कहीं ना कहीं नींव बहुत ही पहले डल चुकी थी इन दोनों के बीच के टकराव का। सन 1870-71 में फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध हुआ जिसमें जर्मनी विजय हुआ, फ्रांस की हार हुई थी, और फ्रांस के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जर्मनी के कंट्रोल में हो गया था, जर्मनी के अधीन हो गया था। खासकर अलसास और लारेन, ये दो ऐसे जगह थे जहाँ पर लौह अयस्क की बहुतायत थी, और लोहा उस समय औद्योगिक क्रांति के लिए, या किसी भी समय लोहा जो है वो औद्योगिक क्रांति का एक हम कह सकते हैं एक बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है। तो लौह क्षेत्र होने के कारण कहीं ना कहीं फ्रांस के लिए ये क्षेत्र बहुत ही आवश्यक था, जिसे जर्मनी ने अपने अधीन कर लिया। फ्रांस की लगभग संपूर्ण अर्थव्यवस्था इन्हीं क्षेत्रों से पटकी हुई थी। फ्रांस की सरकार ने बाद में इन क्षेत्रों को मांगा भी, उनसे मांग भी की जर्मनी से कि उन्हें वापस कर दिया जाए, लेकिन जर्मनी द्वारा इन क्षेत्रों को वापस करने से मना कर दिया गया, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों के लिए फ्रांस में राष्ट्रवाद जो है शुरू हुआ, अपने क्षेत्र के प्रति जो भावना है वो जागृत हुई। इस क्षेत्र में रहने वाले जो फ्रेंच भाषी लोग थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया जर्मनी सरकार का, और इस विरोध का जो परिणाम है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में निकल कर आया। फ्रेंच लोग चाहते थे कि जो ये एरिया है लारेन और अलसास जो जर्मनी के अधीन है वो दोबारे उन्हें फ्रांस को सौंप दिया जाए, और जो फ्रेंच भाषी थे वो चाहते थे कि वो फ्रांस में दोबारा से सम्मिलित हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फ्रांस में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, लारेन और अलसास को फ्रांस को नहीं सौंपा गया जर्मनी द्वारा। इसके अलावा ये एक मुद्दा था जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध की घटना हुई, या इन दोनों के टकराने का जो है हम कह सकते हैं कि एक कारण था। इसके अलावा मोरक्को संकट, ये दोनों देशों के बीच में हुआ था, फ्रांस और जर्मनी के बीच में 1905-1906 पहली बार, और 1911 में दूसरी बार मोरक्को जो है संकट जो है वो जो क्षेत्र है मोरक्को का, ये एक विवादित क्षेत्र बनकर उभरा, और इस क्षेत्र की वजह से भी ये दोनों आपस में टकराए। तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस और जर्मनी का जो युद्ध है वो युद्ध उसकी बीज लगभग 1870-71 में ही डल चुकी थी, जो 1914 से लेकर 1918 के बीच में होने वाले प्रथम विश्व युद्ध के होने का कारण बना, या इस युद्ध में इन दोनों के आमने सामने होने का कारण बना। तो इस प्रकार से फ्रांस और जर्मनी की जो प्रतिद्वंद्विता है, जो टकराव है, ये खत्म होता है। अगर हम सेकेंड टॉपिक की बात करें तो यूरोप का दो गुटों में बट जाना, संपूर्ण यूरोप दो गुटों में बट गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है अलग अलग देश ने अपना खेमा बनाया हुआ था, अलग अलग देशों का एक गुट बना, और ये गुट कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बनी। 1871 के पश्चात जो है फ्रांस की मित्रता
बाकी देशों से ख़त्म हो गई थी। जब जर्मनी ने फ्रांस को हराया था तो, और उसके बाद फ्रांस की जो मित्रता है वो अलग अलग देशों से बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और इसका कारण था बिस्मार्क की कूटनीति। बिस्मार्क ने किसी भी देश को फ्रांस से दोस्ती करने के लिए मना कर दिया था, चूँकि जर्मनी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, इटली जर्मनी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, तो बिस्मार्क के द्वारा ये मनाही कर दी गई थी अलग देशों को कि फ्रांस के साथ मित्रता नहीं जो है करें। 1882 में बिस्मार्क द्वारा त्रिपक्षीय संधि की गई, 1882 में। यहाँ पर है त्रिपक्षीय संधि में, जानते हैं हम क्या है, ऑस्ट्रिया और इटली। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया एवं इटली के साथ तीन देशों को मिलाकर एक त्रिपक्षीय संधि की। बाद के वर्षों में जब बिस्मार्क का पतन हुआ तो फ्रांस द्वारा रूस और इंग्लैंड के साथ त्रिराष्ट्रीय समझौता किया गया। तो यहाँ पर यूरोप दो खेमों में बट गया, एक खेमे में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया शामिल थी, और दूसरे खेमे में फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, ये तीन तीन देशों का गुट बना, और ये गुट आपस में टकराए फर्स्ट वर्ल्ड वार में। इसका परिणाम इन गुटों का परिणाम निकला कि ये देश एक दूसरे देश पर संदेह की दृष्टि से देखने लगे, अविश्वास जगा, एक दूसरों के प्रति जो भरोसा है वो ख़त्म हो गया, घृणा बढ़ी, अपने राष्ट्रीयता को बेहतर बताने की, अपने कल्चर को बेहतर बताने की जो होड़ है वो लगी, भय भी उत्पन्न हुआ कि कोई देश एक दूसरे पर आक्रमण ना कर दे, चूँकि उस समय सैन्य संगठन भी हो रहा था और कहीं ना कहीं हथियारों की होड़ भी चल रही थी, हथियार भी बनाए जा रहे थे, इस वजह से कहीं ना कहीं भय का भी माहौल बना हुआ था। और ये आपसी शत्रुता जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बना, प्रथम विश्वयुद्ध का कारण बना। तो इस प्रकार से ये दूसरा टॉपिक ख़त्म होता है। जानते हैं थर्ड टॉपिक में है सैन्यवाद। सैन्यवाद का क्या अर्थ होता है? तो जब हम सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने मैन पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसके अंतर्गत हम हथियारों का निर्माण करते हैं, बेहतर सुविधा देते हैं अपने सैनिकों को, हम बेहतर ट्रेनिंग देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेना बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जब दूसरे देश पर आक्रमण किया जाए तो बड़ी आसानी से उन्हें जीता जा सके। तो जर्मनी द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की गई। जर्मनी लगातार लोगों को सेनाओं में भर्ती करने की कोशिश करने लगा, जवानों को सेना में भर्ती करने की कोशिश करने लगा, ताकि उसकी सैन्य शक्ति बढ़े। वो हथियारों का निर्माण करने लगा, और सामने वाला अगर हथियार निर्माण कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो शत्रु देश है उसे यही लगेगा कि ये हथियार उसके विनाश के लिए ही बनाया जा रहा है। तो हथियारों की होड़ की वजह से भी कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है हुआ। यह जो कार्य है जर्मनी द्वारा सैन्य शक्ति को बढ़ाया जाना या हथियारों की होड़ करना, ये वजह बना प्रथम विश्वयुद्ध का, ये चरम बिंदु बना प्रथम विश्वयुद्ध का। देश, जितने भी देश थे उस टाइम पे, वो अपने आय का प्रमुख भाग, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सेना पर खर्च करने लगे, सेना की संख्या को लाखों में बढ़ाने लगे। एक एक देश के पास 10 से 12 लाख के जनसंख्या वाले सैन्य संगठन जो है उस समय व्याप्त था। लोग जो है, देश जो है वो सेनाओं में भर्ती कर रहे थे, लोगों को अपने सैनिक हम कह सकते हैं शक्ति बढ़ा रहे थे। इस समय एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मेरियट उनका नाम था, और मेरियट ने कहा कि सैन्य बढ़ावा एवं हथियारों की जो होड़ है केवल युद्ध को बढ़ावा दे सकता है, शांति नहीं। जाहिर सी बात है कि उन्होंने सही कहा था कि सैन्य बढ़ावा या हथियार बनाने का मतलब ही होता है युद्ध करना। यह बाकी सामने वाला जो देश है वो यही समझेगा कि अगर सैन्य शक्ति को बढ़ाया जाए या हथियार बनाए जाएं तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ आक्रमण करने के लिए, दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हथियार अपनी सुरक्षा के लिए भी हम बना सकते हैं, सैन्य शक्ति को बेहतर अपनी सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं। चूँकि साम्राज्यवाद का समय था, चूँकि हर देश चाहता था कि उसका क्षेत्र बढ़े, तो यही जो है अंदाज़ा लगाया गया हथियारों के निर्माण से या सैन्य शक्ति को बढ़ाने से कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए तैयार है, और ये कारण बना प्रथम विश्वयुद्ध का। तो ये तीसरा टॉपिक जो है आपका कंप्लीट होता है। चौथे टॉपिक की बात करें तो जानते हैं हम तात्कालिक कारण मतलब तुरंत का, जिस वजह से ये विश्वयुद्ध शुरू हुआ, एक चरम बिंदु माना जाएगा तात्कालिक कारण को। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको नोट्स में, ये स्क्रीन पे शो हो रहा है,
इसमें लिखा गया है कि तात्कालिक कारण, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है युद्ध का चरम बिंदु। इसका अर्थ है कि जो तात्कालिक कारण होता है वो किसी भी युद्ध का चरम बिंदु होता है। 28 जून 1914 आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। आर्क ड्यूक, ये बोस्निया की राजधानी सेराजीवा में, सेराजीवो में इनकी हत्या हुई, और ये ऑस्ट्रिया के युवराज थे। तो जब ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या की गई, और जिसने हत्या की वो सर्बिया का व्यक्ति था, सर्बिया का व्यक्ति। अब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा और इस गुनाह के लिए जो है उसे दोषी ठहराया, लेकिन रूस ने सर्बिया को उकसाने की कोशिश की, और ऑस्ट्रिया द्वारा जो अल्टीमेटम भेजा गया था उसे निरस्त जो है करने की कोशिश की, उसे उकसाया गया, सर्बिया को उकसाया गया कि वो किसी भी अल्टीमेटम को निरस्त कर दे ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर आक्रमण हुआ, रूस द्वारा इसे स्थानीय युद्ध बनाने की कोशिश की गई, लेकिन रूस विफल हो गया। ऑस्ट्रिया द्वारा जो ये युद्ध शुरू किया गया सर्बिया के ऊपर, ये कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। अब सर्बिया को मदद दे रहा था उस समय रूस, ठीक उल्टा ऑस्ट्रिया को मदद देने के लिए जर्मनी आगे आया, और यहाँ पर गुटबाजी शुरू हुई, और इन गुटों के कारण, गुटबाजी के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ। जर्मनी द्वारा युद्ध बंद करने का अल्टीमेटम भी दिया गया कि अगर मेरे मित्र देश की बात ना मानी जाए, ना ही नहीं मानोगे, या फिर अगर मेरे मित्र देश के साथ युद्ध करना नहीं रोकोगे तो हम विश्वव्यापी युद्ध शुरू कर देंगे, और ऐसा ही हुआ। रूस ने मना कर दिया जो सर्बिया का साथ दे रहा था। रूस के मना करते ही, और फ्रांस का जैसे ही रूस को साथ मिला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो तात्कालिक कारण था ये गुटबाजी, तात्कालिक कारण था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की मृत्यु, तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर आक्रमण, तात्कालिक कारण था रूस का शामिल होना एक गुट में सर्बिया के साथ, और जर्मनी का ऑस्ट्रिया के साथ। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है आपका शुरू हुआ था, या एक शुरू होने का कारण यही था। जानते हैं पांचवा टॉपिक, जर्मनी द्वारा प्रथम शक्ति बनने की कोशिश। हालांकि वो एक ऐसा समय था, प्रथम विश्व युद्ध के काल या उससे पहले का समय ऐसा था जो प्रत्येक देश अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इस होड़ में जर्मनी सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। जर्मनी एक उच्च महत्वाकांक्षी वाला देश था, उसकी इच्छाएं, उसकी चाहतें साम्राज्यवाद की प्रबल थी, और जिसकी वजह से ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ। वो प्रथम शक्ति बनने की कोशिश कर रहा था जिसकी वजह से ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ। जर्मनी एक संगठित देश था और बनने की कोशिश कर रहा था, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क कर रहे थे। अगर हम पूर्व की बात करें तो जर्मनी, फ्रांस और रूस को युद्धों में हरा दिया था। जर्मनी ने इसमें, इस जो टॉपिक लिखा हुआ है पूर्व में, मतलब कि पहले की अगर हम बात करें तो जर्मनी फ्रांस और रूस को युद्धों में हरा चुका था। चूँकि फ्रांस और रूस को युद्धों में हरा चुका था, इस वजह से इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ही हाई था, और जो साम्राज्यवाद की इच्छा थी इसके अनुसार ये विश्व पर अपना वर्चस्व कायम कर सकता था। कैसर विलियम, अगर हम बात करें कैसर विलियम की, तो कैसर विलियम द्वारा सैन्य संगठन को बढ़ाया गया। जर्मनी में कैसर विलियम जो उस समय के ड्यूक थे, उन्होंने सैन्य संगठन को बढ़ावा दिया, और उनका एक ही मानना था कि अगर हमें शक्तिशाली बनना है, या तो शक्तिशाली बनो या तो सर्वनाश हो जाओ, या तो संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करो या नहीं तो मिट जाओ, करो या मरो वाली जो कहावत है, जो स्थिति है, वो यही मानते थे। उनकी मान्यता थी कि जर्मनी की जो संस्कृति है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और जब किसी भी देश के मन में ये हो जाता है कि उनकी संस्कृति ही सबसे बेहतर है, तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के साथ टकराव हो सकता है, टकराव का कारण बन सकता है ये बात। तो जो एक राष्ट्र के प्रति जो भावना थी, जो राष्ट्रीयता थी, या हम कह सकते हैं जो राष्ट्रवाद थी अपनी संस्कृति को लेकर, कि उनकी संस्कृति बेहतर है, ये कारण बना जर्मनी के
जो है युद्ध में शामिल होने का और प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने का। जर्मनी युद्धों को युक्ति संगत मानता था, उनका कहना था कि भाई युद्ध होना आवश्यक है। और उनके जर्मनी के एक प्रोफेसर लैम्प्रक्ट का कहना था कि विश्व में जर्मनी सिद्धांत से ही शांति आ सकती है। विश्व में जर्मनी द्वारा जब अधीनता की जाएगी, विश्व को जब उपनिवेश बनाया जाएगा, तो जर्मनी की संस्कृति को बाकी देशों पर थोपा जाएगा। जर्मनी की संस्कृति बेहतर है, इसीलिए इसी संस्कृति को अपनाया जाएगा और विश्व में शांति जर्मनी के संस्कृति को अपना कर ही हो सकता है। तो जर्मनी का प्रथम शक्ति बनने की जो कोशिश है, उसकी जो अपनी सांस्कृतिक परिकल्पना थी, जो सांस्कृतिक सोच थी उनकी कि उनकी ही संस्कृति सबसे बेहतर है, या फिर जो उनके कैसर विलियम द्वारा जो मान्यता थी कि या तो मरो या तो करो वाली जो मान्यता थी, ये कहीं ना कहीं कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो ये पांचवा टॉपिक था आपका। छठे टॉपिक की अगर हम बात करें, छठे और सातवें को मैंने मिक्स कर दिया है, छोटे टॉपिक्स हैं। तो संकुचित राष्ट्रभावना एवं इटली की नीति, यहाँ पर राष्ट्रभावना का क्या मतलब होता है, राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है? तो देश के प्रति समर्पण क्षेत्र, अगर हम अपने देश के प्रति समर्पित होते हैं और हम ये समझते हैं कि बाकी देश के जो व्यक्ति हैं वो भी ऐसा ही सोचते होंगे अपने देश के बारे में, तो ये सोच बहुत ही वृहत है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमारी ही संस्कृति सबसे बेहतर है, हम ही अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, बाकी देश के लोग नहीं कर सकते हैं, तो ये जो राष्ट्रभावना है बड़ा ही संकुचित माना जाता है, बड़ा ही तुच्छ माना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम अपने देश की ही भलाई सोचते हैं। राष्ट्रीयता की बात करें तो राष्ट्रीयता उस समय एक नवीन धर्म बनकर आया, और जब धर्म राष्ट्रीयता जब धर्म बन जाए तो उसे बेहतर बताने के लिए देश आपस में टकराते हैं। यही कारण था मानवता लुप्त होने का, मानवता लुप्त हो गई, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भावना है वो ख़त्म हो गई, एक देश का दूसरे देश के प्रति जो प्रेम भावना है वो ख़त्म हो गई। यह भावना बनी कटुता का, यह कारण बनी कटुता का, और कटुता मतलब कि राग द्वेष संदेह ईर्ष्या हम कह सकते हैं। परिणाम ये निकला कि हम अपने देश के क्षेत्र के विस्तार करने के पीछे लग गए, साम्राज्यवाद को बढ़ाने के पीछे, सभी देश अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए पीछे लग गए, और यही कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। राष्ट्रीयता की यह अंधभावना, मतलब कि एक अंधी जो भक्ति है, वो मानवता के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ, जिसका नतीजा, इसका परिणाम स्वरूप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा इटली की नीति ने भी इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बढ़ावा दिया, एक तात्कालिक कारण भी था। इटली द्वारा ट्रेंटिनो को अधीन करने की कोशिश की गई, ट्रिस्ट बंदरगाह के आसपास का जो इलाका था ट्रेंटिनो इटली में, उसको करने की कोशिश की गई, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। इस क्षेत्र में चूंकि इतालवी लोगों की बहुतायतता थी, इस वजह से इटली चाहता था कि उसे अपने अधीन वो कर ले, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसको अधीन बनाने का जो परिणाम निकलेगा वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर निकलेगा। यह क्षेत्र मैंने बताया जैसे कि ट्रिस्ट बंदरगाह के समीप था, और चूंकि इटली द्वारा इस बंदरगाह को, ये नीति अपनाई गई कि इस बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए, क्योंकि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो इतालवी हैं, उनके देश के हैं, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं, चूंकि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि वो अपने इस क्षेत्र को गवाए, क्योंकि ये बंदरगाह क्षेत्र था और यहाँ से व्यापार करना बहुत ही आसान था, जिस वजह से अलग अलग देशों में, पूर्व या पश्चिम देशों में व्यापार करना बहुत ही आसान था, जो ऑस्ट्रिया गंवाना नहीं चाहता था, और इटली चाहता था कि ये एरिया उसे जो है उसके अधीन में आ जाए। तो ये भी एक कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अगर हम बात करें आठवें टॉपिक की, तो निकट पूर्वी समस्या, जानते हैं क्या है ये निकट पूर्वी समस्या। 15वीं-16वीं शताब्दी, आपको अगर ये टॉपिक याद ना रहे निकट पूर्वी समस्या, तो आप आंसर में जो मैंने लिखा है नोट्स में वो आप लिख सकते हो। 15वीं-16वीं शताब्दी की बात करें तो टर्की का बाल्कन प्रदेश पर अधिकार था, बाल्कन प्रदेश जो बहुत ही ज़्यादा संसाधनों से भरा हुआ था, लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते टर्की का प्रभाव इन क्षेत्रों पर कम होना शुरू हो गया। अब इस क्षेत्र के लिए अलग अलग देशों में टकराव शुरू हो गया, बुल्गारिया, रूस,
ऑस्ट्रिया, सर्बिया, ये बाकी अन्य देश जो है वो इस क्षेत्र पर अधिकार करने की कोशिश करने लगे। हद तो तब हो गई जब जर्मनी ने बर्लिन से बंदरगाह तक, ये इस बाल्कन प्रदेश के बंदरगाह तक एक रेलवे लाइन बिछाने की कोशिश की, जिसे इंग्लैंड ने खतरा माना, क्योंकि इंग्लैंड भारत आने के लिए वो एक प्रमुख बंदरगाह था, एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसा स्थान था जहाँ पे वो रुक सकते थे, जहाँ पर वो बाज़ार बना सकते थे इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के लिए भारतीय उपनिवेश पर खतरा मंडराने लगा था। ये वजह था कि ये देश आपस में भिड़े और यही कहलाया निकट पूर्वी समस्या। हालांकि बिस्मार्क ने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण पूर्वी देश ही होंगे, और ऐसा ही हुआ। पूर्वी देश ही, जैसे बुल्गारिया, रूस, ऑस्ट्रिया, ये सब पूर्वी देश सब है, और इन्हीं वजह से जो है ये युद्ध शुरू हुआ। इस प्रदेश की चाह ने प्रथम विश्वयुद्ध को जन्म दिया और ये एक कारण बना प्रथम विश्वयुद्ध का। ये जो समस्या है बाल्कन प्रदेश का, ये कहीं ना कहीं कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। नौवें टॉपिक की अगर हम बात करें, जो नाइन्थ टॉपिक है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का ना होना, ये एक बहुत बड़ा कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने का, ना रुकने का। यह जो हम कह सकते हैं, ये जो युग था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय का, ये बहुत ही उग्र राष्ट्रीयता का युग था। मैंने यहाँ पर आपको नोट्स में लिखा है कि उग्र राष्ट्रीयता का युग था। इसका अर्थ है कि लोग अपने राष्ट्र भावना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहे थे, तुच्छ सोच लेकर चल रहे थे, मानवतावाद को कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहे थे और उग्रता दर्शा रहे थे। एक मित्रता के माध्यम से साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश ना करके ये युद्ध के माध्यम से छीन कर ये जो है साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो अंतर्राष्ट्रीय एवं सदाचार लागू करने के लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी उस समय पर कि ऐसी संस्था हो जो सदाचार लागू कर सके या अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून लागू कर सके। ये कारण बना जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। 1899 एवं 1907 ईस्वी अगर हम देखें तो हेंग कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव भी रखा गया था, जिसके तहत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को रोकने की कोशिश की गई थी। ये नीदरलैंड में एक स्थान है हेंग, वहाँ पर जो है आपको ये कॉन्फ्रेंस किया गया था, लेकिन ये प्रस्ताव जो है विफल हो गया, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम नहीं रोक पाए या ये देश नहीं रोक पाए। इसके अलावा आज जिस प्रकार से यूएनओ और एनएएम, मतलब कि जिसे हम गुट निरपेक्ष कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो चला था 1962 में बेलग्रेड सम्मेलन के माध्यम से, जिसमें भारत, यूगोस्लाविया, इसके अलावा जो है घाना, ये सब देश आपस में थे, और आज का जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये एक ऐसी संस्था है जो आज होने वाले किसी भी युद्ध को रोकने के लिए काबिल है। और शायद यही वजह है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर हमें नहीं झेलना पड़ा, या थर्ड वर्ल्ड वॉर कहीं नहीं हुआ। तो ये कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं जो आज के समय में युद्धों को रोकने का काम करती है। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की, तो ऐसी एक भी संस्था नहीं थी जो किसी भी युद्ध को रोक सके, जिसका परिणाम स्वरूप ये निकला कि युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उसका नतीजा जो है बहुत ही बुरा सामने आया। लास्ट टॉपिक है आपका 10th, और गुप्त कूटनीति। ये एक ऐसा कारण था जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होना तय था। अब यहाँ पर इन कारणों को जानते हैं हम। 19वीं शताब्दी में अगर हम देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय का, तो गुप्त कूटनीति का बोलबाला था, मतलब एक देश दूसरे देश के साथ अपने नीतियों का साझा नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से एक देश दूसरे देश पर संदेह कर रहा था या घृणा की दृष्टि से देख रहा था, और ईर्ष्या जैसे भावनाओं का जन्म हो रहा था। अगर एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो 1904 में इंग्लैंड के विदेश मंत्री ग्रे, जो उनका नाम था, ने फ्रांस से एक समझौता किया और समझौते पर हस्ताक्षर किया, लेकिन इस समझौते के बारे में इनके ही मंत्रिमंडल को 1912 में जाकर पता चला। अर्थात 8 साल तक इस समझौते को गुप्त रखा गया, छुपा कर रखा गया, और 1914 में 2 साल बाद इसका पता यहाँ के संसद को चला। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात थी कि अपने नीतियों को भी ये देश आपस में साझा नहीं कर रहे थे। कारण ये जाने ये किस बात को गुप्त रखने की कोशिश कर रहे थे, अपने नीतियों को जो है अपने तक ही सीमित रखकर कहीं ना कहीं
वो संदेह को बढ़ा रहे थे और ये संदेह कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में बदला। इसके अलावा अगर हम बात करें साम्राज्यवादी स्वार्थों का जो टक्कर है, जो 11वां टॉपिक है आपका उसके बारे में, तो 19वीं शताब्दी में जर्मनी में औद्योगिक क्रांति हुआ और औद्योगिक क्रांति के लिए उन्हें अपने वस्तुओं को बेचने के लिए बाज़ार चाहिए था, बाज़ार की आवश्यकता थी, लेकिन संपूर्ण विश्व के बाज़ार पर ब्रिटेन और फ्रांस का कहीं ना कहीं अधिकार था। तो इन देशों से वो बाज़ार प्राप्त करने के लिए उन्हें युद्ध करना पड़ा, बाज़ार और उपनिवेश के लिए उन्हें युद्ध करना पड़ा, टकराव होता रहा इनके बीच में, टकराना पड़ा और यही कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो 10-11 ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में हमने जाना और जाना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या कारण थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड ईयर के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये आंसर आपको समझ में आएगा और इन नोट्स के थ्रू आप आंसर बनाने की कोशिश करोगे। थैंक यू।